देखिए सर, ये शुगर कैन कोरियन PLC मॉडल मशीन है, 5 नल वाली। इसमें टच पैनल लगा हुआ है। इसका सीरियल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सीरियल नंबर है 1724, देख सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए अभी ये मशीन ऑन है, ठीक है, देखिए, पर चालू नहीं है। इसको चालू करने के लिए हम इस टच पे टच करेंगे और ये फ़ौरन चालू हो जाती है, देख सकते हो आप। ठीक है, ये 231 वोल्टेज बता रहा है। ठीक है, मैं वापस इसको टच करूँगा तो ये बंद हो चुकी है। ठीक है, इसको टच करूँगा वापस से चालू हुई, आपको साउंड आता है टक का। ठीक है, देखिए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने फॉरवर्ड किया, इंडिकेटर शो कर रहा है, तीनों घूम रहे हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अब मैंने ऑफ़ किया, ऑफ करने के बाद रिवर्स किया, तीनों रोलर घूम रहे हैं, ठीक है, इंडिकेटर शो कर रहा है, देखिए। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। ये आपका कर्सर मशीन चेक हो चुका है कम्प्लीटली। ठीक है, जैसे हमने इसका यूज़ कर लिया है, ठीक है, अब इसको मैं बंद करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी बंद कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से इसको जैसे चालू करना चाहता हूँ तो चालू वो भी हो सकता है, बार बार टच नहीं करना हो तो। तो अगर आप, मैं यहाँ से बंद करूँगा तो फिर यहाँ टच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से मैं चालू रखता हूँ और टच करके बंद करना है तो तुरंत यहाँ से बंद हो जाती है। देखिए बंद हो चुकी है। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, कैसे भी कर सकते हो आप। चलिए मैं आपको आपका फ्रिज बता देता हूँ। ये फ्रिज है, ठीक है, इसकी कूलिंग बता देता हूँ, देख सकते हो आप। ठीक है, कूलिंग, ऊपर भी कूलिंग आ चुकी है, ऊपर भी लाइन आया है, देखिए, देख सकते हो आप। ठीक है, ये देखिए ऊपर का पोर्शन है, इसमें भी लाइन आ चुकी है। ठीक है, ये साइड का है, इधर भी देखिए। ठीक है, अब नीचे लेके चलता हूँ। देखिए नीचे, देखिए इधर नीचे से भी आप देख सकते हो। ठीक है, नीचे भी लाइन आ चुकी है, ये देखिए। ठीक है, ये पूरी लाइन है नीचे की, इस साइड की, ये पूरा नीचे का पोर्शन बता दिया मैंने आपको। लाइन चारों तरफ तो आ चुकी है। ठीक है, देखिए मैं आपको अब जूस निकाल के बता देता हूँ। देखिए मैं आपको वाटर निकाल के बताऊँगा, यहाँ से मैं टच करूँगा, वाटर निकल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से टच करा, निकल रहा है वाटर, और यहाँ फील होते हुए बताएगा। देखिए यहाँ से मैं वाटर टच करूँगा, वाटर निकल रहा है। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए वाटर निकल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको टॉपिक निकाल के बताऊंगा, ये लेमन है। ठीक है, एक बार फिर देखिए, मैं आपको अब लेमन निकाल के बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से लेमन निकाला, ठीक है, लेमन निकल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से टच करूँगा। ठीक है, अब मैं इसमें जिंजर निकालूँगा, जिंजर निकल रहा है, ये देखिए जिंजर निकल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं मिंट निकालूँगा, देखिए एक बार फिर से, आपको जितना सेट करना है कर सकते हो आप। ठीक है, ये देखिए मैं 2-3 बार दबाऊँगा। अब इसके बाद में आपको ग्लास निकाल के बताऊँगा, ये दबाया, ये गिलास निकला, अभी फील होते हुए बता रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं वापस से, ये देखिए मैंने बोतल दबाया, बोतल निकल रही है, एक बार फिर से बोतल दबाऊंगा। ठीक है, और ठंडा निकल रहा है, देखिए ये कूलिंग देख सकते हो, गिलास पे जो आ गया तो कूलिंग देख सकते हो आप। ठीक है, ये कूलिंग है, ज़बरदस्त कूलिंग आ चुकी है। ठीक है, और ये मैं वो गिलास भी निकालूंगा। ठीक है, ये गिलास दबाया, गिलास निकल रहा है,
और इसमें भी कूलिंग ठंडी। ठीक है, ये सबमर्सिबल पंप की स्विच है, यहाँ से मैं ऑन करूँगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सबमर्सिबल पंप। ठीक है, सबमर्सिबल पंप चालू है, देख सकते हो कूलिंग कितनी ज़बरदस्त कूलिंग आ चुकी है। यहाँ से मैं अब बंद करूँगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, सबमर्सिबल पंप बंद हो चुका है, देख सकते हो आप। देखिए ये लाइट की स्विच है, आप देख सकते हो, ये मैंने टच करते के साथ ही चालू करूँगा। चालू होगी, बंद होगी, चालू हो गई, ये बंद हो गई। छः इंच लाइट लगी हुई है, स्पॉट लाइट, ये छः की छः एक साथ चालू होती है। ठीक है, ये सब जीरो, देखिए कंप्रेसर कट आउट हो चुका है, जीरो पे डिग्री आने पर। या आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग में जाके 72 दबा के ओके करना है, या आप यहाँ पे इस तरह से सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको टोटल पता चल जाएगा कितना है। इरेजर करने के लिए आपको मैं दूसरा नंबर है वो जो अभी जब आप परचेज करोगे जब मिल जाएगा। ठीक है, आपकी मशीन कम्प्लीटली चेक हो चुकी है, देख सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एस एस सोडा मशीन, थैंक यू।